हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज का टॉपिक है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का भी लॉन्ग क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम डीके गोयल। ट्रिकी पॉइंट है बेटा, इसमें ऐसे सिक्स एडजस्टमेंट ला रही हूँ, तो मैं बोलूंगी जो सिक्स एडजस्टमेंट है सिक्स से सिक्स टफ है। छह के छह में आपको अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट कैसे देना है, ऐसे छह पॉइंट निकाले हैं। नॉर्मल तो आपकी टीचर भी करा रही है, तो करना स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक अपने पास रखिए, अगर डीके गोयल आपके पास रखी है तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन का, लेकिन वो ज्यादा देर तक विजिबल नहीं होगा। बेशक आप उसको कहीं पे सेव कर लीजिए, या फिर अगर बुक है तो बुक्स तो सबके पास ही मोस्टली डीके गोयल होती है, तो उससे क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन क्या है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। अब देखिए, कई बार पता क्या होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में हो रखा है स्टार्टिंग में ना, जहां पर बता रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां दो बातें लिखी हैं, ये बच्चे देखना भूल जाते हैं। एग्जाम में ये होता है, एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2021। ए वाज आस्क्ड टू रियलाइज द एसेट्स। ए को बोला गया कि भैया सारे एसेट्स को आप सेल ऑफ करो, लायबिलिटीज को आप पे ऑफ करो, उसके बदले में हम आपको 3,000 रुपए खर्चा दे देंगे, खर्चा पानी हम दे देंगे। तो इसकी एक एंट्री होगी, अभी करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ। तो बेसिकली हमने बनाना क्या है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, और शायद इसमें लोन भी आ रहा है, तो छोटा सा लोन मैं यहां बना दूंगी जब आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन में बेसिकली करते क्या है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाना आता है तो इस वीडियो को एकदम से मत देखना, क्वेश्चन टफ है, पहले मैंने अलग से समझा रखा है। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसको क्या करेंगे हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर, जितनी लायबिलिटीज हैं उनको हम करेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ आई आपकी एसेट्स, यहाँ आई आपकी लायबिलिटीज। अब जब लायबिलिटी से पैसा रियलाइज होगा, जब आएगा तो वो यहाँ शो होगा, क्रॉस में जाती है चीज, और लायबिलिटीज का जो पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। तो बेसिकली होता यही है, रियलाइजेशन का फंडा यही है, इसी क्रॉस वाले फंडा को फॉलो करके चलोगे तो ये चैप्टर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, ये फंडा मैं अपना प्रॉपर रियलाइजेशन अकाउंट जहां मैंने एक्सप्लेन किया है वहां से देख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन कराऊंगी उसमें टाइम लगेगा, चलिए देखते जाइए। अब करना क्या है, हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी हमको ट्रांसफर करनी है कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए जी, अब एसेट्स में हमारे पास है गुडविल है, लीज है, पेटेंट है, स्टॉक है, अकाउंट रिसीवेबल है, इक्विपमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है, 300 शेयर्स है, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, और सीज कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो अब देखिए, गुडविल नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, गुडविल को आप रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी ट्रीटमेंट करेक्ट है, मैं अभी यही सिखाने वाली हूँ। और आप इस गुडविल को राइट ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप गुडविल को कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर रहे हैं तो यहां मत दिखाइएगा, एक जगह आपको ट्रीटमेंट देना है। अभी मैं जान के यहां दिखा रही हूँ क्योंकि आपको ये ट्रीटमेंट भी आना चाहिए, ठीक है जी। गुडविल है हमारे पास, बुक उठाई लेते हैं, गुडविल है हमारे पास 20,000 रुपीज की, जो हमारे पास एसेट है एज इट इज, बुक वैल्यू आपकी ट्रांसफर होनी है। उसके बाद है आपके पास लीज 75,000 की आपकी एसेट है, उसके बाद आपके पास पेटेंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स है इसलिए लिया मैंने ये क्वेश्चन ना, पेटेंट्स आपके पास 6,000 रुपीज के, उसके बाद आपके पास स्टॉक है दैट इज 50,000 रुपीज। मैं बच्चों के साथ साथ सॉल्व करती हूँ इसीलिए कि आपको आ जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल है आपके पास 25,000 रुपीज के, इक्विपमेंट्स है आपके पास 20,000 रुपीज के, इसके अलावा आपके पास शेयर्स हैं 300 शेयर्स हैं, एसेट है आपकी 36,000 रुपीज की, ठीक है। पहले बैलेंस शीट का डेटा उठा उठा के करते जाएंगे, उसके बाद आपको कैश बैलेंस गिवन है, एसेट साइड का सारा डेटा दे रही हूँ मैं। अब यहाँ बैंक नहीं बनेगा, यहाँ कैश अकाउंट बनेगा, ध्यान रखिएगा जो भी हो वही बनाना है, ठीक है। कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बीडी आपका 13,000 रुपीज, इसके अलावा सीज का जो कैपिटल बैलेंस है, बैलेंस बीडी हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट साइड पे सीज का दिखाएंगे 12,000। इस तरीके से पहले एक साइड कंप्लीट कर लीजिए। अब एसेट साइड की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी थी मैंने वो कर दी, क्योंकि कोई ना कोई आइटम मिस हो जाती है, इसी वजह से आंसर नहीं आता है। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड पे, यही तरीका है, तीनों अकाउंट साथ साथ बनाओ, साथ साथ करो। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का टाइम आया, इस साइड पे लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी। अकाउंट पेबल है हमारे पास 40,000 रुपीज का, इसमें बैड डेट्स का पॉइंट नहीं आया, बताने वाली चीज है, एक आधा क्वेश्चन और कवर करूंगे,
जिसमें बैड डेट्स का पूरा डिफिकल्ट वाला काम आ जाए। मॉर्गेज लोन, आउटसाइड लोन है, थर्ड पार्टी लोन है, 30,000 रुपीज आएगा। एडवांस फ्रॉम बी है, एडवांस फ्रॉम मी यानी कि हमने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है, उसका हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं। रीजन बिहाइंड एडवांस फ्रॉम बी यानी आपने पार्टनर बी से लोन लिया हुआ है तो बैलेंस बी डी मैंने अलग क्यों बनाया, मैंने उसको वहां ट्रांसफर नहीं किया है, बताती हूँ अभी कितना है, 25,000। ध्यान रखिएगा अगर किसी पार्टनर का लोन होता है वो थ्रू रियलाइजेशन रूट डेट नहीं होता, वो डायरेक्ट पेमेंट होता है, उसका अकाउंट अलग से बना लीजिएगा, वहां मत ट्रांसफर कीजिएगा अपनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के साथ। इसके बाद है एम्प्लॉय सेविंग बैंक, ये भी आपको पे करना है, सेविंग बैंक एम्प्लॉयज का है, आपका नहीं है, पे ऑफ करना है, फॉर्म बंद करने जा रहे हो आप, ठीक है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है जी, बैलेंस बी डी हमारे पास 80,000, 66,000। देखिए जी ये अब मैंने क्या किया, अब आप ध्यान से देखिए कि जितना डेटा बैलेंस शीट में था ना वो कहाँ कहाँ किस अकाउंट में जाना है वो मैंने प्लेस किया। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, कैपिटल बैलेंस को कैपिटल में डाला, बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस को वहां डाला, और अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाला। इसी तरीके से करना, टाइम सेव होगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा रियलाइजेशन बनाते हैं, फिर कैपिटल ड्रॉ करते हैं, कैपिटल बनाते हैं, फिर बैंक ड्रॉ करते हैं, बैंक बनाते हैं, फिर लोन को देखते हैं। उससे चांसेस हैं कि आपकी ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है जो यहाँ और यहाँ आएंगी, ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो यहाँ यहाँ आएंगी, एक जगह पोस्ट हो जाती है दूसरी जगह रह जाती है क्योंकि साथ के साथ पोस्टिंग नहीं हो रही होती है। बताती जाऊंगी कौन सी एंट्रीज है, ठीक है जी। अब इसके अलावा ऊपर अभी 3,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, उसका ही काम पहले करा देती हूँ क्योंकि ऊपर है रह जाता है। ए वाज आस्क्ड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज, ए को बोला गया ही हैज टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर विच ही वाज प्रॉमिस्ड अस सम ऑफ 3,000, यानी फॉर्म को 3,000 रुपए पे करने हैं पार्टनर ए को, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन, क्योंकि हमारा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन व्हाट एवर एक्सपेंडिचर वी आर डूइंग वी हैव टू डू थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी पैसा अगर इनफ्लो होएगा आएगा तो वो भी उसी पूल में आएगा जो हमारा ये पूल है। जब पैसा जाएगा इस अकाउंट से जाएगा, जो पैसा आएगा इस अकाउंट से में आएगा, दिस इज अ पूल, ठीक है जी। अब सबसे पहले इन्होंने बोला 3,000 रुपए की रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमारी एंट्री, तो रियल एक्सपेंसेस का नाम कहीं नहीं आएगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर कौन सा है ए, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि हमें तो उसको देने हैं। अब ए का कैपिटल अकाउंट में आप डाल रहे हो, एंट्री बनी रियलाइजेशन टू ए कैपिटल, तो यहाँ भी तो आएगा थ्रू रियलाइजेशन। ये एंट्री बच्चे बहुत का बहुत गलत करते हैं, एक जगह पोस्टिंग करते हैं एक जगह नहीं करते हैं, और ये एंट्री का नीचे भी एक पॉइंट आ रहा है, सब डिस्कस करूंगी, आ जाइए। अब हम ट्रांजेक्शन पे वर्क करते हैं जी। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 40,000, पहले कितने का स्टॉक था, 50 का था, ठीक है 40 का हो गया, हमें डिफरेंस लेना नहीं है, वो रिवैल्यूएशन में लेते हैं। This was taken over by A and B equally. ठीक है जी, 40,000 रुपए का स्टॉक था और वो आपका पार्टनर्स ने ले लिया। कोई भी एसेट अगर पार्टनर एक्वायर करेगा, देखिए जी अगर पैसा आ रहा था तो इस अकाउंट में आएगा और मैंने बताया इनफ्लो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने ही ले लिया और तीनों पार्टनर ने लिया, नहीं दो ने लिया, तो कौन कौन पार्टनर एक्वायर कर रहा है, ए एक्वायर कर रहा है और बी एक्वायर कर रहा है। 50,000 के स्टॉक को 40,000 में इक्वली लिया है, यानी 20,000, ठीक है, स्टॉक है ये आपका, मैंने दिखा दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब जब यहां पोस्टिंग करिए तो ऑब्वियसली यहां भी आएगी, ये गलती होती है, इसलिए साथ के साथ करते हुए चलोगे, क्रॉस में कभी भी गलती नहीं होगी, कुछ भी मिस नहीं होगा, नहीं तो मिस होने के पूरे पूरे चांसेस है। पूरे क्या होंगे ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही ये फील कर पाएंगे। अब आगे क्या बोला उन्होंने, लीज रियलाइज 1,10,000, लीज से पैसा आया है आपको बाय बैंक, ठीक है, सब चीजों को मैं कंबाइन कर दूंगी। लीज से पैसा आ रहा है आपका 10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, इक्विपमेंट आ रहा है 18,000 रुपए, 1,10,000 रुपए लीज से है, 18,000 रुपए आपके इक्विपमेंट से हैं, 20,000 रुपए आपके आपके अकाउंट रिसीवेबल से हैं, और अदर एसेट्स प्रूव वैल्यूलेस, बाकी एसेट जो ये कह रहे हैं वैल्यूलेस हो गए, उनकी कोई वैल्यू कंसिडर नहीं हो रही है।
अच्छा 1,48,000 रुपए की हमारा कैश रियलाइज हो रहा है, ठीक है जी। हम बाई बैंक 1,48,000 दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने 1 + 2 + 3 आइटम्स लिए हैं। मैंने ये सिर्फ आपकी पहचान के लिए बता दिया है किस किस का पेमेंट दिखाया है मैंने, जो हमें रिसीव हुआ है, लीज का, इक्विपमेंट्स का और अकाउंट रिसीवेबल का। अब ध्यान से देखिए, लीज पेटेंट्स आर वैल्यूलेस हो गए क्योंकि अदर एसेट्स आर वैल्यूलेस, और बाकी इन्होंने इक्विपमेंट, इन्होंने कहा बाकी एसेट्स वैल्यूलेस है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ वैल्यूलेस वाली बात नहीं लिखी होती तो हमारी अगर कोई ऐसी एसेट है जो जिसकी हमें रियलाइज वैल्यू गिवन नहीं है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, रियलाइज वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन वो हमारी उसकी बुक वैल्यू हमें गिवन है, तो हम ये लेके चलते हैं, वो भी बिकी है और हम उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं कि वो पैसा आ गया उसकी भी। अभी इसमें नहीं आया वो पॉइंट कि हम ये लेके चलते हैं अगर, क्योंकि हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस में अगर कोई एसेट बिक गई है, बेचनी तो हमें है ही, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू लेके रियलाइज वैल्यू दिखानी ही पड़ेगी। जैसे कि इस केस में ना इक्विपमेंट आ रहा है, इक्विपमेंट के लिए नीचे कुछ नहीं बोला है आई थिंक, और इन्होंने कहा बाकी सारी वैल्यू लेस हो गई, यानी इनकी वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये वैल्यू लेस वाली बात नहीं लिखते ना तो मैं ये 20,000 रुपए भी इक्विपमेंट के बैंक में रियलाइज करती और यहाँ पे 148 की जगह 168 आता। चलिए जी, अब हमारा ये हो गया एक्चुअल एक्सपेंसिस रियलाइजेशन पेड 1800 बाई ए। देखिए जी, हमने तो भैया ए को 3,000 रुपए दे दी, फर्म की यही लायबिलिटी थी। अब एक्चुअल में वो 1800 रुपए खर्च हुए, वो ए ने पे किए, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, कितना भी उसने पे किया हो, 1800 की जगह वो 4800 भी पे करता तो भी फर्म उसको नहीं देती। बेनिफिट तो ए को हो गया तो हो गया क्योंकि फर्म ने तो पहले 3,000 रुपए डिसाइड कर लिए थे। अच्छा, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय ए एट 12,000। ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड एसेट थे, रिकॉर्ड ही नहीं थी हमारी बुक्स में, तो अब तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसको किसने ले लिया, पार्टनर ए ने ले लिया, फर्म को बेनिफिट हो गया कितने में, 12,000 रुपए में। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, बेटा जितनी एंट्री ले रही हूँ ना, जितनी वर्किंग ले रही हूँ, सारे पॉइंट्स ट्रिकी हैं, एक भी इजी नहीं है। उसके अलावा अब बिल ऑफ 3200 ड्यू फॉर सेल्स टैक्स वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो टू बी पेड। अब एक सेल्स टैक्स था जिसे हमें पे करना था, अब हमें ऑब्वियसली फॉर्म बंद हो रही है तो हम पे करेंगे 3200 रुपए का, तो टू बैंक हमें 3200 रुपीज की पेमेंट करनी है। मैं अभी और भी देख लेती हूँ, अगर और भी पेमेंट है तो साथ ही क्लब कर देंगे। इसके अलावा सुनील एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड 2500 व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव स्टेटमेंट। अब 2500 रुपए आपके और आ रहे हैं, ठीक है जी, वो 2500 रुपए भी हम दिखा देंगे। उसके अलावा आपके हैं, चलो पहले इसको भी दिखाई देते हैं, वो इधर आएंगे 2500 रुपए बाई बैंक, नहीं दिखाना सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, कैश आएगा यहाँ पे ना, क्योंकि ये कैश वाला है ट्रांजैक्शंस। अब हमें बैड डेट से पैसा मिल गया बाई कैश 2500, क्लब करना भूल गए, जैसे ये यहाँ भी क्लब कर सकते थे, मैंने पॉइंट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अलग से दोबारा भी दिखा सकते हो। इसके बाद आ गया आपका सुनील वाले 2500 की बात हमने कर दी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एक्स इज 100 रुपीज पर शेयर, हाफ ऑफ द शेयर वाज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे जो शेयर्स थे उनकी मार्केट वैल्यू इन्होंने बोला है, हमारे थे 300 शेयर्स यहाँ वर्किंग कर रही, उनकी अब वैल्यू कंसिडर हुई है 100, तो यानी वो 30,000 रुपए के हैं। अब 30,000 की चीज में से 15,000 रुपए की चीज क्या कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफ कमीशन ऑफ 2%। आधे तो हमने मार्केट में बेच दिए, ठीक है, 15,000 रुपए के ऊपर अब 2% कमीशन जरा लगा लो, 300 रुपए कमीशन हो गया, तो 14,700 में आपने सेल किए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और बचे हुए जो हैं ऑल द पार्टनर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बचे हुए 15,000 रुपए तीनों पार्टनर ने ले लिए, ए बी और सी ने, चलो जी किसमें, PSR में। चलिए जी, ये तो पेमेंट आपको मिल रहा है, तो बाई कैश आप दिखाएंगे 14,700। इसके अलावा जो बचे हुए 15,000 रुपए थे तीनों पार्टनर ने ले लिए, तो अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, बाई ए बाई बी, मेरा तो ये छोटा ही पड़ जाएगा लग रहा है, तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तीनों ने एक्वायर कर लिए किसमें, PSR में, तो हमारी PSR था 3:1, तो 15,000 रुपए इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 बने 7,500। इसके बाद हमारे बने 5,000 और 2,500। अब हमारी
ये इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री हो गई, इसकी भी हो गई, पीएसआर में बोला तीनों पार्टनर ने एक्वायर कर लिया, बचा हुआ। ठीक है जी, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पॉइंट हमने कर दिए कवर। अब हमें देखना है पेमेंट्स का केस। देखिए जी, हमारी एक तो अकाउंट्स पेबल की चार, अब हमारा क्या होता है, देखिए हमें रियलाइजेशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। जो लायबिलिटी के बारे में बोला है वो तो हम कर ही देंगे, जिसके बारे में नहीं भी बोला तो भी हमें लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। सेल्स टैक्स नीचे बोला था, अकाउंट्स पेबल 40,000 रुपए के थे बेटा पे करो। इसके अलावा मॉर्गेज लोन था हमारा 30,000 रुपए का, पे करना पड़ेगा, करते हैं जी पे। इसी के साथ एक ही साथ एंट्री में दिखा दूंगी। इसके अलावा थर्ड पार्टनर का लोन था वो डायरेक्ट पे होगा, टू कैश 25,000 रुपए। ठीक है, वो रियलाइजेशन कोई मतलब नहीं है, सीधा कैश में दिखाऊंगी, अभी सारी कैश की एक साथ करके दिखाती हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय सेविंग बैंक का है 16,000 रुपए का पेमेंट, ये भी करोगे तो हमारा हो गया 3,200 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 89,200, ये हमारा टोटल पेमेंट आया। ध्यान से देखने वाली चीज है बच्चे, मैं आगे से हट गई हूँ कि देखो रियलाइजेशन में काफी काम है जो आपको करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, सारी ट्रिकी पॉइंट है। अच्छा जी, अब हमने ये सब दे दिया, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इधर वी आर इन प्रॉफिट और लॉस, तो चलो चेक करते हुए चलते हैं। अगर हमारा डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो वी आर इन प्रॉफिट, अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो वी आर इन लॉस। तो मैं टोटल कर लेती हूँ पहले एक बार, 20,000 प्लस 75,000 है, 5,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 3,000 प्लस 89,200, तो हमारा आ रहा है 3,00,000। अभी मैं लिख रही हूँ, चेक कर लेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में 40,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस फिर से 40 है हमारा, फिर 1,48,000 है, 12,000 है, 2,500 है, 14,700 है, और फिर से 15,000 रुपये टोटल है। तो इधर की साइड जो हमारी वैल्यू आ रही है 318,200, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है। कितना ज़्यादा आ रहा है कर लेते हैं, माइनस 318,200, तो हमारा 318,200 में से माइनस करने हैं 324,200, तो बस 6,000 रुपये का लॉस है। ठीक है जी, 324,200 कौन पार्टनर्स बियर करेंगे, लॉस टू बी शेयर्ड बाई ए बी सी कैपिटल, कौन से रेशो में, ओल्ड में ही होगा, 3:1 था हमारा, तो 3:1 ही आ गया बाई चांस, 3,000, 2,000 and 1,000। ठीक है, इस लॉस को हाथ के हाथ बेटा यहाँ डाल दो, हमने डाला रियलाइजेशन से 3,000, 2,000 और 1,000। अब ध्यान से सुनो क्या करने जा रहे हो, एक क्रॉस चेक करने जा रहे हो, क्रॉस में कोई भी एंट्री किसी पार्टनर से हो रही है, ये वाली हो रही है एस कैपिटल, डेबिट में हो रही है, क्रेडिट में चेक कर ली हमने डाल दी। अब इधर काफ़ी सारी आई थी, मैंने साथ के साथ नहीं डाली थी, ए कैपिटल के क्रेडिट में 20,000 रुपये हैं, तो डेबिट में रियलाइजेशन से ए और बी दोनों के 20 हैं डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टॉक ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर फिर से एस कैपिटल में 12,000 रुपये आए थ्रू रियलाइजेशन, मैंने ऐसे कर दिया, आप नहीं करिएगा। इसके अलावा हमारे फिर से ए बी सी के थे, इन्होंने कुछ और भी ले लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ले ली थी, तो ठीक है जी, फिर से रियलाइजेशन से एंट्री आएगी 7,500। बहुत सारा काम था इसमें, 5,000 रुपये और 2,500 रुपये, पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें ले ली। ठीक है जी, ये हमने दिखा दिया। आप हमेशा ना अकाउंट जरूर मेंशन कीजिएगा, एग्जाम में आपके इसके मार्क्स कट सकते हैं।
आदत बना लीजिए, जैसे जैसे दिखे छूट गया हो तो उसे लिख दीजिएगा। हाँ जी, हमने ये भी डाल दिया, ये भी दोनों रियलाइजेशन थे, मैं रियल लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, कैपिटल को भी क्लोज कर लेते हैं एक एक करके। इसमें तो लग रहा है जो थर्ड पार्टनर है बिजनेस में पैसा लेके आने वाला है। चलो देखते हैं, ए का क्रेडिट साइड पे है 80,000 प्लस 3,000, ठीक है जी। 80,000 प्लस 3,000 83,000 हो गया, मेंशन कर देते हैं। माइनस करते हैं इसमें से 20,000, 3,000, फिर से 20,000, 12,000, 7500। चेक करते हुए चलते हैं हम अपना, तो हमारा आ रहा है, हमारा सही नहीं आ रहा, 20 और 12। एक मिनट, मैंने ये 20-20 वाली दो बार कर दी आई थिंक। हाँ, मैं ये कर चुकी थी, ये मैंने दो बार दिखा दी, इसको कर देते हैं रब। ये मैं पहले भी कर चुकी थी और मैंने देखो दोबारा कर दी, ये गलती आपसे भी हो सकती है, ठीक है जी। तो हमारा प्लस 20, तो हमारा 40,500 आ रहा है। फॉर्म बंद हो रही है, फॉर्म अगर बंद हो रही है तो ये सारी की सारी पेमेंट होगी और थ्रो कैश होगी, अगर बैंक होता है तो आप बैंक से दिखाएंगे, ठीक है जी। ए का कर दिया क्लोज, अब बी का देखते हैं। 66,000 ये है बी का, माइनस 22,500, 27,000 का पेमेंट करके सिर्फ 39,000 रुपीज़ उसको पे हो रहे हैं, ठीक है जी। 83,000 यहाँ था, 66,000 यहाँ था, ठीक है जी। इसके बाद हमारा है पार्टनर सी का। देखिए पार्टनर सी की सारी डेबिट वैल्यूज है, तो उसको तो पैसा लेके आना पड़ेगा, तो कितना लेके आएगा वो, 25,000 एक है और 13,000 रुपये एक है, तो 38,000 रुपये वो तो भाई साहब बिजनेस में लेके आने वाला है, क्योंकि ही हैज टू ब्रिंग हमारा 2500 है, ये 25,000 नहीं है, 12,000 प्लस 1,000 प्लस 2500, तो 15,500, ठीक है। ये बिजनेस में लेके आएगा, इस साइड पे आएगा कैश अकाउंट 15,500। अब देखिए, अब हम करते हैं कैश का काम, कैश में कैसे करना है वो भी क्रॉस में जाना है। अब जो जो कैश से ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन के आपके डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएंगे। तो एक तो है 89,200 की, एक ही है क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड, और कैश बुक का फॉर्मेट है, मतलब डेबिट साइड इज फॉर रिसीट एंड क्रेडिट साइड इज फॉर एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन अकाउंट से 89,200 है, ठीक है। अब हम इधर की साइड कैश चेक करते हैं, ये सारी की सारी जो हमारी हैं ये रिसीट्स हैं, एक तो यहां पर है ये रियलाइजेशन से, ₹1,48,000 का, इसके बाद यहां पर है 2500 रुपए का रियलाइजेशन से। आपने प्लीज ऐसे नहीं करना है, रियलाइजेशन मेंशन करना है। उसके बाद फिर से रियलाइजेशन से है 14,700, बस हो गया। अब यहाँ पे ये जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट हो रही है डेबिट में, तो क्रेडिट में आएगी, किस किस को पेमेंट हो रही है, ए और बी को, ₹40,500 और ₹39,000। जो पार्टनर सी है वो तो बिजनेस में लेके आ रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट 15,500। दूसरा, ये जो पार्टनर का लोन था इसको हमने पे ऑफ किया था, एंड क्रॉस में जाएंगे सारी, एडवांस फ्रॉम बी 25,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल चेक करना है, करते हैं जी। 13,000 प्लस 148 प्लस 2500 प्लस 14,700 प्लस 15,500, तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,93,700। उस सेट का भी टोटल कर लेते हैं, 89,200 40,500
40,500, 39,000, 25,000, 193,700. हाँ जी, ये सारा काम था बच्चे। इस क्वेश्चन की लर्निंग बहुत सारी है, ध्यान रखना 6 एडजस्टमेंट है, 6 की 6 ट्रिकी हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। कोशिश करूंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी लूँ, बट गारंटी नहीं कर सकती, ट्राई तो कर रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें कवर करूँ। बट ये क्वेश्चन करने से पहले पहले अपने जो बेसिक रूल्स हैं उनको सीख लेना, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और लर्निंग हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। ऑल द बेस्ट।